आम लोग तो कोर्ट में पेशी पर जाते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने भगवान को कोर्ट के चक्कर लगाते हुए देखा है? शायद आपने का जवाब ना ही होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है, जहां भगवान कोर्ट में हाजिरी लगाने पहुंचे। क्या है इसके पीछे की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं भगवान से कुछ भी छुपा नहीं होता, ऊपर वाला सब देखता है। इसीलिए तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में भगवान को कोर्ट में आई विटनेस की तरह पेश किया गया। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि भगवान को कोर्ट की तरफ से बुलावा आया तो उनके भक्त गाजे बाजे के साथ अपने प्रभु को लेकर कोर्ट में पहुंच गए। 2009 में बिहारी जी मंदिर की चोरी हो गई थी, इसमें 4 लोग आरोपी बनाए गए थे और कोर्ट में आदेश अनुसार जो मूर्ति सुपुर्द की गई थी वो मूर्ति लेकर आज कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट ने आदेश किया है कि जो आपकी सुपुर्दगी में सामग्री प्राप्त हुई थी उसमें मूर्ति क्या प्राप्त हुई थी? आज कोर्ट में जा रहा है भगवान। हम महलों को बहुत दुख है भगवान का, कभी ऐसा करने ना चाहिए इस भगवान के लिए। हम जा रहे हैं, कुछ पता है क्यों जा रहा है साहब? क्यों पता है चोर, ऐसी चोरी कहाँ कहते भगवान की जो क्यों करते हैं? इनको सजा दिए जाए, कभी नहीं इनको बरी करे जाए। क्यों भगवान की चोरी करते हैं? भगवान से बड़का कौन है? उसने जन्म दिया है सब मात पिता को। आपका लट्टा साहब, आप खुद इसका न्याय करेंगे। आज भगवान खुद न्याय मांगने के लिए कोर्ट जा रहे हैं। आज कोर्ट जा रहा है भगवान न्याय मांगने के लिए। तस्वीरों में नजर आ रहे गाजे बाजे के साथ भगवान का कोई समारोह नहीं चल रहा, बल्कि भगवान को उनके भक्त कोर्ट लेकर जा रहे हैं। दरअसल मामला कुछ यूं है कि निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कस्बे के प्राचीन बिहारी मंदिर से प्राचीन राधा कृष्ण की मूर्तियां 2009 में चोरी हुई थी। चोरी के 7 दिन बाद ही पुलिस ने मूर्तियां सुरक्षित बरामद कर ली थी और पुलिस ने इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों बाद कोर्ट के आदेश पर राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को मंदिर के पुजारी को सुपुर्द कर दिया गया था और फिर से मंदिर में बिहारी जी को मंदिर में विराजमान कर दिया गया था। पूजा अर्चना भी शुरू हो गई थी, लेकिन अदालत की रूटीन प्रक्रिया के तहत इन मूर्तियों का एक बार फिर सत्यापन किए जाने के लिए पुजारी को कोर्ट में भगवान की मूर्तियों के साथ पेश होने के लिए कहा गया ताकि सत्यापन हो सके। जब पुजारी ने यह बात सभी भक्तों को बताई तो सभी ने निर्णय लिया कि वो अपने बिहारी जी को राधा रानी के साथ कोर्ट में पेशी के लिए ले जाएंगे। जैसे ही भगवान कोर्ट पहुंचे, न्यायाधीश ने मूर्तियों का सत्यापन कर उन्हें दोबारा मंदिर में ले जाने का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश था, उसमें लिखा था कि समस्त सामान सहायताएं, तो सामान में हमको मूर्तियां मिली थी तो वो मूर्तियां लेकर हम कोर्ट जा रहे हैं। क्या हो गई थी, घटना क्या थी? चोरी हो गई थी सर मंदिर की, सन 2009 में मेरी। तो चोरी के बाद मूर्ति हमें कोर्ट से सुपुर्दगी में मिली थी। कोर्ट ने थाने को आदेश किया, आदेश से हमें सुपुर्दगी में मिली थी, थाने में मूर्तियां रखी थी। कितने लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था? 4 लोगों को आरोपी बनाया था सर। तो कितने लोग जा रहे हैं, क्या भगवान जी लेके आप लोग जा रहे हैं क्या? अब जो तो सर शासकीय मंदिर है, सबका मंदिर है, उसमें सैकड़ों लोग जा रहे हैं साथ में। क्या है दिनांक 14 और 15 की मध्य रात्रि को वर्ष 2009 में बिहारी जी के मंदिर से मूर्तियां जो चोरी हुई थी उसके संबंध में प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में आज मंदिर की जो मूर्तियां थी वो साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित होने के लिए लाई। यथास्थान रखने का आदेश दिया गया है। पेशी के बाद एक बार फिर भगवान अपनी जगह पर पहुंच गए हैं और मंदिर में एक बार फिर से पूजा पाठ के साथ आरती की गूंज सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।